हेलो जी, ये क्या हो गया? छोटी बहू वर्सेस गोपी बहू। मैं राहुल बोध स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि बिग बॉस के घर में ये जो टास्क हुआ था, मतलब कि ये जो येलो टीम वर्सेस रेड टीम हुआ था, हालांकि येलो टीम जीत गई है, इस दौरान एक भयंकर झगड़ा हुआ है दोस्तों। और वो झगड़ा हुआ है छोटी बहू यानी कि रुबीना दिलैक वर्सेस गोपी बहू यानी कि देवलीना भट्टाचार्य जी के बीच में। बता दूं आपको तो देवलीना एक चीज देखती है अर्शी को। अर्शी है ना अपने अपने कपड़ों में कुछ चीजें छुपा रही है, जिस पर दिखाओ मुझे, चेक करो मुझे, इस तरीके से लाइव फुटेज में वो बात करते हुए नजर आ रही थी। फिर उसके बाद दोस्तों रुबीना यहाँ पे पक्षपात करने में आ जाती हैं, बीच बचाव में आ जाती हैं और वो पक्ष ले रही हैं अर्शी का, बिकॉज ऑफ कोर्स वो उनकी टीम की हैं और समथिंग लाइक दैट। तो ऐसे में यहाँ पर देवलीना उसी चीज को लेकर रुबीना को जो सुना रही है, जो पीछे पड़ गई है, बाप रे बाप। हालांकि हाँ, छोटी बहू भी कम नहीं है, छोटी बहू भी बोल रही है गोपी बहू को, लेकिन अब गोपी बहू ने ये टेक ले लिया है। देखो, गोपी बहू ने एकदम से यू टर्न लिया है। घर के बाहर वो रुबीना की जम के तारीफें करती थी, वो इतनी तारीफें करती थी कि जीतेगी तो रुबीना ये क्या खेला है, रुबीना ने रुबीना वैसा, ये सब बोलती थी। और उसके बाद जब से वो घर के अंदर आई हैं तब से वो अलग ही सुर अलपा रही हैं, यानी कि गोपी बाबू बोले तो देवलीना भट्टाचार्य जी। वैसे आपको बता दूं तो देवलीना ने ही राखी सावंत के मन में वो जो शक का एक बीज बोया कि ये जो है ना तेरे लिए ये खतरनाक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है, फलाना, ये सारी बातें बोली हैं दोस्तों, समझ रहे हैं आप। तो अब क्या होगा, अब किस तरीके से गोपी बहू वर्सेस छोटी बहू होगा हमें पता नहीं। लेट्स सी, वी विल हैव टू वेट फॉर दैट। और आज के एपिसोड में हमें रात को शायद ये सारी चीजें दिखाई देंगी। लेट्स सी, वेट फॉर द बेस्ट थिंग। एंड आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप गोपी बहू को सपोर्ट कर रहे हैं या छोटी बहू को। सो कमेंट सेक्शन में जरूर बोल दें। चलता हूं मैं, अपना ख्याल रखें।